हाय गाइस, होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत कोई मुझे बोल रहा था कि यार सौरभ, वीडियो बनाओ पतंग के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर, खुद का और दूसरे का। तो ये मेरा कुछ पतंग का कलेक्शन है, मोस्ट ऑफ द बार काट दार पतंग। ठीक है, ये पतंग है पौनी। उसके बाद मैं आपको अद्धी भी दिखाऊंगा मेरा कुछ कलेक्शंस, और ये सब बहुत ही मेरा क्लोज टू माई हार्ट है। ठीक है, ये सब देख पा रहे हो, ज़्यादातर इधर पे है काट है। ठीक है, ये है प्रोवाइजेटो का बहुत पुराना पतंग है। ये है जॉय दोस प्रोवाइज काइट मेकर। ये अगर आप मुझसे पूछेंगे, इनका पतंग पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये कोलकाता में भी मुश्किल है। कोलकाता का मेकर है और ये अभी इंडिया का बेस्ट मेकर है फॉर मी। अब बहुत कोई बोलोगे कि ये मेकर अच्छा है, वो मेकर अच्छा है। मेरे हिसाब से इनसे अच्छा मेकर अभी तो नहीं है, क्योंकि इनका जो पतंगे हैं, आप 10 साल भी रखेंगे तो सेम की सेम रहेंगे। ये बहुत पुराना पतंग है। पहले हम लोग को आपको पता है कि कैलकाटा 24 था, अभी तो कोलकाता हो गया है। जब कैलकाटा था तब का है, बहुत पुराना पतंग है, अभी भी ऐसा ही है शब्द। ठीक है, और इनका जब पूरे इंडिया में गाट नहीं मिल रहा है, इनका अभी भी गाट मिलता है। इनके पास मैं अभी एक बार जाऊंगा, वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और ये सब मूली का है। ठीक है, गांठदार पतंग दो टाइप का होता है, एक होता है मूली बांस का, बम्बू का, और एक है आपका कांग बांस। दो टाइप का बम्बू होता है जिससे पतंग बनाया जाता है। ये सब मूली है जो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये बाकी ये रहा राहुल का, ये सब अच्छा मेकर है बट इतना कुछ खास नहीं है। बाबू टेलर, अच्छा ये बहुत खास पतंग है। ये अब बोल सकते हो, अभी तक जितना पतंग लोग बनाता है ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये है बाबूलाल का, मेरे पास बस एक पीस ही है। इनसे अच्छा पतंग शायद ही कोई बनाता है, ना ही बनाएगा। ठीक है, ये अभी का बेस्ट मेकर। ठीक है, और जब ये थे यही बेस्ट है, इनके आसपास कोई भी नहीं था। बाबूलाल काइट मेकर, ये तकरीबन मेरे पास है रॉजर डबल केक है, बिहार का वो दिए थे। बट ये आपका हो गया गिफ्ट का है, बट ये शायद 93 का पतंग है। ये सब तुम आपका बलारपुर पेपर है, जो लोग अभी बहुत कोई बलारपुर पेपर नहीं जानते हैं, इसको ताश पेपर भी बोलते हैं क्योंकि तीन इक्का रहता था। ठीक है, ये भी गांठ है जैसा आप देख रहे हो, ये सारा गांठ है, देखिए गांठ दर सब गांठ है। ये भी प्रोपाजिट का बस गाइड कोलकाता पौनी। ठीक है, ये आपका हो गया बबलू का, ये इतना कुछ खास नहीं है। ये पीएमकेसी का है, ये भी पीएमकेसी का है, ये सब उतना कुछ नहीं है। हाँ, ये फिर एक भैया मुझे बना के देते हैं, ये बहुत ही स्पेशल पतंगे हैं, भैया बहुत मस्त पतंग बनाते हैं। ठीक है, ये भी सब गांठ है, जैसे आप देख पा रहे हो ये सारे गांठ है। इसका गांठ ये मिडिल में है और बाकी सब का इधर पे गांठ है। ठीक है, इनका डिज़ाइन माशाल्लाह जैसा डिज़ाइन बनाता है। ये सब वो ताज पेपर का है जो भी नहीं मिलता है। फोटो जैसा वीडियो, मतलब फोटो जैसा इनका ये है कलाकारी। ये देखिए, ये एक अली नवाब का डिज़ाइन रिप्लिकेट किया हुआ है। ठीक है, जैसा पतंग वैसा काम। ठीक है, और एक है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला पतंग, इनका जो कमानी है ये टूट गया अंदर के लिए, अनफॉर्चुनेटली। ये रहा, सेम डिज़ाइन का है, ये ब्लू है, ये रेड है। ठीक है, इसको ठीक किया जाएगा। ये और एक है अली नवाब का डिज़ाइन का रेप्लिकेट। बहुत ही अच्छा पतंग बनाते हैं, और ये सारे गिफ्ट पतंग है मुझे दिया गया है, ये कुछ ख़रीदा नहीं गया है, क्योंकि ये बेचते नहीं है, खुद ही बनाते हैं गिफ्ट करने के लिए। ये और एक है, आप देख पाएंगे, और ये सब आपका बलारपुर पेपर है जो अभी नहीं मिल रहा है, 1999 से बंद हो चुका है ये वाला। अब ऐसे व्हाइट पेपर बनाते हैं ये कंपनी।
काम देखिए, अब इसमें इसको बंगाली में बोलते हैं पोटल ठड्डा, ठीक है। ये स्टार्ट होता है बिल्कुल पतला से, फिर ऐसे जाते जाते ये मोटा होता रहता है, ठीक है, करते करते फिर जाके पतला होता है। और ये सारा घाट है 1992, 94, 96 का घाटी, सब पुराना पुराना है। ये रहा, और एक जैसे आप देख पा रहे हो ये सब फोटो जैसा है, कोरी बॉक देख सकते हो आप कितना अच्छा है। जैसे इसका भी कोरी बॉक देख सकते हो आप। ऐसे बोला जाता है ये बर्फी जो है, इसको बर्फी बोला जाता है। ये करना सबसे मुश्किल है, ठीक है। मैं अगर लाइट में दिखाऊंगा आपको पता चलेगा, छोटा छोटा में पागल जैसे काम है, ठीक है। ये और एक है उनका, फिर ये सब है, ये सब डिज़ाइन है। ये सब पतंग बस रखने के लिए है, उड़ाने का तो नहीं है। इतना अच्छा पतंग शायद ही कोई उड़ा था, ठीक है। ये और एक है, ये और एक है, ये सब घाट है, सब घाट। लोगों के पास घाट नहीं है और इधर पे घाट पड़ती है। ये और एक डिज़ाइन है, ठीक है। ये और एक है, ये भी नया बना के चांद। ये और एक है पतंग, कितना सुंदर देख सकते हो आप, पूरा फोटो जैसा, ठीक है। ये आपका हो गया नाजिम का कुछ पतंग है, इसको साइड करते हैं। ये आपका राजा का कुछ है, ये आपका हो गया मूवी नख्तर का, ये आपका फिर से वो भैया का है। ये सब प्लेन में है, ठीक है। ये और एक रहा स्टार, ये सब भैया का पतंग है, देख सकते हो आप कितना अच्छा कोरी वर्क किया गया है। ये आपका राजा वसीम का है, ये राजा का है, ये सब काट नहीं है, अच्छा पतंग है पौनी, ठीक है। ये आपका हो गया मेरठ का पतंग, सभी को रहमान, ठीक है। ये फिर से वो भैया का पतंग आ गया है, और ये बाकी सब दीप कुमार का है, दीप कुमार जी का पतंग, ठीक है। ये इसमें काट नहीं है, गांड वाला मैं दिखाऊंगा आपको जरूर। ये सब दीप कुमार का पतंग है, ठीक है। ये फिर से आ गया प्रभाजीत का पतंग है, ये भी सब गांठदार है, ये सब बहुत पुराना पतंग है। ये आके प्रभाजीत का नया पतंग है, देख सकते हो प्रो स्काइट मेकर। इनका पतंग मिलना बहुत ही मशहूर है, आप बहुत कोई नहीं जानते हो जो लोग कोलकाता के बाहर रहता है, क्योंकि इधर से शायद आपको कनाई का पतंग मिलता है, विलियम्स का पतंग मिलता है, पापाई का काइट्स मिलता है, बट इसका पतंग नहीं मिलेगा क्योंकि इधर कोलकाता में ही बहुत लोग कम लोगों के पास ही रहता है, और ये उतना नहीं देते हैं कि लोग ले पाए। जो रखता है अगर किसी के पास 10-15 भी है तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता है, और शायद एक ही उड़ाता है या वो भी ना उड़ा है, ऐसा हालत है इसका पतंग का। इसलिए आपको कोलकाता से बाहर नहीं जा पाता इसका पतंग, प्रोवाइजेटू का पतंग बेस्ट है अभी, कोई भी मेकर का पकड़ लो अभी, ठीक है। यह है प्रोवाइजेटू का पतंग, यह भी है प्रोवाइजेटू का पतंग, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये जो मेकर है अभी 68 ईयर्स का है, और बहुत अच्छा अच्छा पतंग आप जिन लोगों को बहुत उस्ताद मानते हो उन लोगों को भी सिखाया है, ठीक है। आप बताना आपका हिसाब से कौन है बेस्ट। ये फिर प्रभाजीत को पतंग देख सकते हो आप, और इनका सारा पतंग गांठदार होता है, और मूली का है सबसे बड़ा बात। अच्छा, मूली और इसमें अगर आप डिफरेंस पूछना चाहो मैं ज़रूर बताऊंगा, पहले ये देखिए आप अच्छे से गांठ को देख लीजिए, ये पूरा पालिस जैसा गांठ है, आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है ओरिजिनल मूली, बिल्कुल लगा हुआ है,
और जो कांगमास है वो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये हो गया प्रभास जेटू का, ये भी हो गया प्रभास जेटू का, प्रभास काइट मेकर। ठीक है, ये हो गया जीको का, जीको प्रभास जेटू से ही सीखा है और एक भैया से भी सीखा है, जो पतंग आप देख रहे थे, बहुत सारा डिज़ाइन है। ठीक है, ये कुछ मिक्स पतंगे हैं, ये मैं खरीदा था कोलकाता से, संतू काइट से। ठीक है, जो कि जयपुर काइट से लाए थे शायद, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बट ये जो शॉप है इनके पास दो चीज़ बोलूँगा, एक अच्छा चीज़ एक बुरा चीज़, जैसे आप देख पा रहे हो संतू काइट। ठीक है, अच्छा चीज़ ये है कि इनके पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन रहता है पतंगों का। ठीक है, मैं ज़्यादा क्यों नहीं लाया, उसका कारण है ये पागल जैसे प्राइस लेता है, कोलकाता में शायद ही कोई इतना प्राइस लेता है, पागल जैसा दाम, मतलब पागल जैसा, क्योंकि मैं गया था तो लेना पड़ा, बट एक ही बार गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है, क्योंकि बहुत महंगा है इनका पतंग, कलेक्शन बहुत अच्छा है जिनके पास। अब मैं क्या बोलूँ, आपके हिसाब से जो लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया असगर, सेम संतू से खरीदा गया है, ये हो गया अली नवाब जी का, ये भी हो गया अली नवाब जी का पतंग है, ये आपका दीप कुमार का घाटी है, मैं जो बोल रहा था कांगमास और मूली में क्या डिफरेंस, ये देखिए ये रहा कांगमास, इसका गांठ देखिए कितना मोटा मोटा है, आप देख पाएंगे गांठ का। ठीक है, और मैं जो दिखा रहा था, रुके दिखा दो, मूली का, अच्छा ये तो अंदर है, ये एक जैसा दिखा रहा था। ठीक है, ये रहा मूली का गांठ, आप गांठ में दिवस समझ सकते हो ये कितना पतला है, आपको समझ में आ जाएगा, एक पतला गांठ पूरा और एक कितना मोटा गांठ, समझ रहे हो, ये है डिफरेंस। ठीक है, चलो, और ये हो गया आपका दीप कुमार जी का गांठ दर पतंग है। ठीक है, ये रहा मेरा पहला बैग, दूसरा बैग भी मैं दिखाऊंगा ज़रूर देखने के लिए इधर, थैंक यू वेरी मच।